एक तरफ जहां मोदी सरकार ने पिछले 9-10 सालों में देशवासियों को अनेकों कल्याणकारी योजनाओं की सौगात दी, वहीं यह भी सुनिश्चित किया कि ऐसी हर योजना का लाभ शत प्रतिशत हकदारों को मिले। फिर चाहे उज्ज्वला योजना से धुआं मुक्त रसोई हो, हर घर नल से जल या पीएम आवास की पक्की छत हो, या आयुष्मान भारत से मुफ्त इलाज की निश्चिंतता, आज हर योजना पूर्णता की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है और करोड़ों लोगों तक इनका फायदा भी पहुंच रहा है। इसी संकल्प के साथ 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने शुरुआत की विकसित भारत संकल्प यात्रा की। एक महीने से कम ही समय में आज लाखों लोग इस यात्रा से जुड़ चुके हैं। अब ये यात्रा एक महाजन आंदोलन बन चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी के प्रति लोगों का ये प्यार ही है कि विकास रथ के नाम से शुरू की गई ये गाड़ियां आज मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के नाम से जानी जा रही है। आपने अब इसको मोदी की गारंटी वाली गाड़ी बना दिया है, तो मैं भी आपको कहता हूं, जिसको आपने मोदी की गारंटी वाली गाड़ी कहा है, वो काम मोदी हमेशा पूरा करके रहता है। देश के युवा, महिलाएं, हमारे किसान भाई बहन बढ़ चढ़कर इस विकास यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। युवा तो एक प्रकार से विकसित भारत के एम्बेसडर बन चुके हैं। इस उत्साह का कारण है देशवासियों का सरकार के प्रयासों पर अटूट अपार विश्वास। छोटे छोटे बच्चे थे, पति मर गए थे मेरे, मोदी सरकार ने मुझे मकान दिया, प्रधानमंत्री योजना, और फिर मुझे पेंशन भी मेरी लग गई, मिलती है पेंशन भी मुझे, फिर मुझे सिलेंडर भी मिला फ्री, राशन भी फ्री मिलता है, गेहूं भी मिलते हैं, चावल भी मिलते हैं। पीएम जी घर मिला था, वो घर पा करके हम अच्छा लगा है, पुयाल भी अच्छा लगा है, हम एक ठो खुशागार लेटिन मिला था, वो कायन भी मिला था, हम घर को बहुत सुखी है, हमको सरकार को धन्यवाद देता हूँ। मेरे स्वयं सहायता समूह का नाम संत सेवालाल महाराज संस्थान है। मैं यहाँ बतौर लिपिका काम करती हूँ। हमें अपना उद्योग शुरू करने के लिए 3 लाख की मदद सरकार से मिली। बड़ी संख्या में यात्रा से जुड़ते लोग और उनका उत्साह विकसित भारत के रोड मैप को सुदृढ़ कर रहा है। इस अटूट संकल्प की सिद्धि ही नए भारत की पहचान है।